क्या बात है मामा, आपने इतने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेटा, तुम्हारे शक का समाधान करने के लिए। कैसा शक? तुम्हें हमेशा से ही रिमझिम पर शक था ना कि उसका तुम्हारी ससुराल के साथ कोई अलग रिश्ता है। मैं तुम्हें बताती हूँ। आपको कैसे पता चला? कावेरी, तुम गलत सवाल कर रही हो बेटा। ये पूछो कि क्या पता चला। ओके मम्मा, क्या पता चला? रिमझिम के पिताजी का नाम प्रभु दयाल था और वो तुम्हारे ससुर जी के बहुत गहरे दोस्त थे। अंग्रेजी का इस्तेमाल कम कर दो बेटा, क्योंकि तुम राजनीति में प्रवेश करने वाली। अब तुम्हारी समझ में आया कि इरावती रिमझिम से इतनी नफरत क्यों करती है? पर मामा, रिमझिम तो उनकी बहुत इज्जत करती है। वो इज्जत करती नहीं, इज्जत करने का दिखावा करती है। वो लड़की बहुत चालाक है। वो सिर्फ अपने लिए मौका तलाश कर रही है और मौका मिलते ही वो उस घर को। सही समझा तुमने बेटा, और उसे ये मौका हम देंगे। अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त समझना चाहिए। मैं रिमझिम को अपनी तरफ जरूर करूंगी मम्मी। समझ में नहीं आ रहा रिमझिम कहाँ रह गई है। अब घर से यहां तक पहुंचने में इतना वक्त तो नहीं लगता है। मैं उससे ज्यादा दूर था, लेकिन कब से यहां के उसका वेट कर रहा हूं। ख्यालों में थे? ख्यालों में नहीं, तुम्हें देखा। क्यों? रिमझिम घर से यहाँ तक पहुंचने में इतना वक्त लगता है। ट्रैफिक था ना बाबा, सॉरी। आप अंदर नहीं गए? अकेले मैं अंदर जाऊंगा। अच्छा मान लो मैं अकेले अंदर चला भी जाता और मुझे इंदर जी जो मिल भी जाते, तो तुम्हें लगता है कि मैं उनसे अकेले में कुछ बात कर पाऊंगा? सिमरन नहीं आई साथ में? रिमझिम, सिमरन हमारे घर की मेंबर अब तक बनी नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसे अपनी फैमिली के सारी टेंशन्स के बारे में कुछ भी बताऊं। लेकिन अविनाश, आज नहीं तो कल उन्हें सारी बातों का पता चलना ही है। तो तब का तब देखेंगे। अच्छा अंदर चले। नहीं, पहले आप चलिए, I'll follow you। रिमझिम, I can't believe जीजू यहाँ रहते हैं। Excuse me। जी? दरअसल हम लोग मिस्टर इंदर यहीं रहते हैं। कौन, वो सिंगर? हाँ हाँ वही। हाँ जी, वही सिंगर। वो तो कब के यहाँ से चले गए? चले गए कहाँ? किसी चाल में जाने की बात कर रहा था वो। चाल में? अच्छा, कब गए यहाँ से? तकरीबन 20 दिन हो गए। बहुत बुरी हालत में था बेचारा। किराया देना तो दूर, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन आदमी बहुत खुददार था, इतनी बुरी हालत में भी कभी हमसे पैसे नहीं मांगे उसने। भाई साहब, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि इंदर जी जो कहाँ गए? कुछ बता के तो नहीं गए, लेकिन शायद किसी चाल में जाने की बात कर रहे थे। आप शायद महात्मा गांधी चाल में जाके देखिए, वो वहाँ की कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। Mm-hmm.
रिमझिम एक अच्छी सी कॉफी पिलाऊंगी, मैं आता हूं। ए लड़की, तू मेरे बेटे को कहां लेके गई थी? तुम उसका पीछा नहीं छोड़ सकती क्या? क्या चाहती हो तुम उससे? आदमी जिस घर का नमक खाता है उसके साथ बेईमानी नहीं करता, लेकिन तुम हो। माँ जी, हम अविनाश के साथ इंद्रप्रिया की तलाश में गए थे। तुमको किसने कहा है इंद्र भैया की चिंता करने को? हाँ, वो लगता है क्या तुम्हारा रिश्तेदार? कान खोल के सुन लो लड़की, हमारे घर के मामले में तुमको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मामा कैसी बातें कर रही है? इस घर में अगर किसी को इंदर जीजू की चिंता है तो वो रिमझिम है मामा। जी हाँ, इसी ने मुझे भी याद दिलाया। अविनाश, तुम भले ही भूल जाओ, और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की याद इस लड़की के बताने पर ही आए, लेकिन घर का हर इंसान उसको भूला नहीं है। अच्छा मामा, अगर इस घर के सभी लोग इंदर जीजू को याद करते हैं तो फिर आज तक किसी ने उन्हें वापस लाने की पहल क्यों नहीं की? फाइनली सब कुछ तो रिमझिम को ही करना पड़ा ना। अविनाश, मैं देख रही हूं कि दिन पे दिन तुम बड़ों से बात करना भूल गए हो। मुझे लगता है ये बुरे संगत का असर है, समझे? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत कहा है। एनीवेज, अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। तुम जाओ अपने कमरे में। जी। ए लड़के, दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं जानती हूं कि अविनाश जो बोल रहा है ना, वो तुम्हारा पढ़ाया हुआ है। जा। माँ जी, दवाइयाँ। एक बात कहूँ माँ जी? बोलो। वैसे कहने को तो वो दोनों इंदर को ढूंढने गए थे, लेकिन अब किसे पता वो लड़की अविनाश को कहाँ ले गई होगी। भैया, ये वो उमरगांव वाले प्रोजेक्ट की फाइल है। उमरगांव वाले प्रोजेक्ट की फाइल? उसकी क्या जरूरत पड़ गई? भैया आप तो जानते हैं, मैंने और अविनाश ने काम शुरू करने का फैसला किया है, तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले हम उमरगांव वाले प्रोजेक्ट पर काम करें। प्रतीक, ये उमरगांव वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार है, इससे हमें कभी भी फायदा नहीं हुआ। आई थिंक यू शुड ड्रॉप द आइडिया। भैया कुछ गलतियों के कारण ये प्रोजेक्ट फेल हुआ था, अगर वो गलतियां सुधार दे तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए। अच्छा ठीक है, ये फाइल तो मुझे दे दो, मैं दोबारा स्टडी कर लूंगा। भैया मैंने बहुत मेहनत की है इस पर, बहुत स्टडी किया है ये केस, आप प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। प्रतीक, सवाल मौके का नहीं है, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अनलकी रहा है। भैया लगता है आपको अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है। सवाल विश्वास का नहीं है। चलो मैं मान लेता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना दोगे,
लेकिन फिलहाल तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अविनाश की शादी आ रही है, मेरे पास तो वक्त होगा नहीं और सभी काम तुम्हें देखने। जैसा आप ठीक समझे। लो ये फाइल मुझे दे दो। करती हो तुम, एक तरह से इस सारे घर का बोझ तुमने अपने कंधों पर उठा रखा है। अभी बस और तारीफ नहीं। अरे नहीं नहीं, सच कह रही हूँ मैं। अब देखो ना, कितना ख्याल रखती हो तुम इस घर का, लेकिन इस घर में किसी को भी तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं। अब ये भी देखो ना, जब देखो माँ जी तुम्हारे बारे में अनाप शनाप कहती रहती है, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तुम्हें बुरा नहीं लगता? भाभी माँ जी ने प्यार में कभी डांट दिया तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, वरना आजकल पराए तो क्या, अपने भी नहीं करते जितना तुम करती हो। भाभी बाबूजी के चाय का वक्त हो गया है, हम अभी आते हैं। अरे ये मुझे दे दो, मैं कर लूंगी। रिमझिम। अरे भाभी आप क्यों कर रही हैं? क्यों, मैं नहीं कर सकती तुम्हारा काम? नहीं नहीं, कर सकती हैं, जरूर कर सकती हैं। अच्छा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, बोलिए। अगर तुम और रिमझिम एक साथ अकेले चले गए बाहर, तो उसमें माँ जी को इतना तूफान उठाने की क्या जरूरत थी? इंदर को ही तो ढूंढने गए थे ना तुम लोग। लेकिन एक बात की बड़ी खुशी हुई आज मुझे, कम से कम किसी ने तो जुबान खोली माँ जी के सामने, वरना माँ जी ऑर्डर देती रहती है और सब उस डर के मारे माँ जी की बात मानते रहते हैं। एनीवेज थैंक यू। वेलकम। बिल्लो जी कर दिया ना सारा हिसाब गड़बड़। अरे गड़बड़ तो तुमने किया है मेरे जिंदगी के मैथमेटिक्स में। कुछ कहा? नहीं नहीं बिल्लो जी, मेरी क्या मजाल जो मैं तुम्हें कुछ कहूँ। अच्छा एक बात बताओ, वो राक्षस कहाँ है? कौन राक्षस जी? वही तुम्हारा महाराज, और कौन? वो तो सो रहे हैं। सो रहे हैं? खुदा करे वो हमेशा के लिए सो जाए। क्या बिल्लो जी तुम जा कर रही हो? मैं बाजार जा रही थी, बाजार से कुछ जरूरी सामान लेके आना था, वही याद करने की कोशिश कर रही थी कि आपने टोके सब गड़बड़ कर दिया। बाजार? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, चल मैं तुझे बाजार लेकर चलता हूँ। ना ना मैं अकेली ही जाऊंगी। अकेली जाके क्या फायदा, मेरे साथ चलेगी तो फायदे ही फायदे हैं। कैसा फायदा जी? बिल्लो जी मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। वो मैं खाती नहीं जी। मैं तुम्हें चौपाटी घुमाऊंगा। हाँ मुझे पसंद ही नहीं जी घूमना फिरना। मैं तुम्हें भेलपुरी, पानी पूरी और सेव पूरी खिलाऊंगा। मेरा गला बहुत खराब है, कैसे खाऊंगी? मैं तुम्हें फिल्म दिखाऊंगा। फिल्म? हाँ। तब तो मैं जरूर चलूंगी, मुझे ना एक फिल्म देखनी है, वही फिल्म दिखा दो ना खान जी। बिल्लो जी हुक्म करो, मैं टिकट का बंदोबस्त यूं करता हूँ, बोलो कौन सी फिल्म देखनी है? उस फिल्म का नाम है जय संतोषी माँ। देखो तुम बाजार अकेली हो। क्या? हाँ आज मुझे बहुत काम है। और मेरी फिल्म? कल दिखाऊंगा। हाँ कल जाओ। माँ क्या बात है मामा,
इतने उदास लग रहे हैं? नहीं तो पापा, आपको क्या लगता है अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा? पापा, आप ही तो चाहते थे ना कि मैं शादी करूं, फिर आप उदास क्यों हो रहे? अच्छा बेटे, मैं सोच रहा हूं कि रिमझिम को अब इस घर में आ जाना चाहिए, क्योंकि शादी के रीति रिवाजों से ना तो मैं परिचित हूं और ना तुम, और फिर उसके घर पे आने से रौनक लग जाएगी। क्यों? हाँ पापा, पापा I love you. I love you too. जी बेबी। कहाँ है बिल्लू? कितनी बार मैंने उसे कहा है कि बच्चे को लेकर वो बाहर ना जाए घर के, कहाँ चली जाती है वो? बिल्लू बाजार गई है। बाजार गई है? तो फिर ओम कहाँ है? ओम? ओम को तो मैंने भी काफी टाइम से देखा नहीं। यशोदा भाभी को देखा था, कहीं बाहर जा रही थी, बहुत जल्दी में थी। कितनी हिम्मत! मैंने उसे मना किया था कि मेरे ओम के पास नहीं आए वो। मैंने उसे मना किया था कि मेरे ओम के पास नहीं आए वो। फिर भी नहीं मानती नहीं है वो। माँ, मैंने मना किया था उसे, मेरे ओम के पास नहीं आए वो। मुझे मेरा ओम चाहिए। अजय, माँ क्यों लेके चली गई ओम को? अजय बेटा शांत हो जा। ओ मेरा राजा बेटा, घूम के आया। बहुत घूम के आया आज तो। कहाँ चला गया तुम मेरा? कौन लेके गया था इसे? हाँ बिल्लो, सच सच बता, इसे बाहर ले जाने को किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा हमें, हमें बाजार जाना था तो इसे किसके पास छोड़ते, इसलिए अपने साथ लेकर गए थे। यशोदा भाभी कहाँ है? यशोदा भाभी तो हमें शॉप पर छोड़कर चली गई थी, उन्हें शायद कहीं और जाना था। जयंती बेटा, ओम बाहर से आया है, भूखा होगा, तुम अंदर जाओ। एक बात बहुत बुरी लगी माँ जी, यशोदा भाभी बाहर चली गई और आपको बताना जरूरी नहीं समझा। एनीवे, उनकी मर्जी।